नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट इन सिंक्रोनस डिटेक्टर इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या ध्यान से देखिए मान लीजिए बेटे ये जो बॉक्स है ये आपका ट्रांसमीटर है और यहाँ से हमने एक सिग्नल को रेडिएशंस के टर्म्स में भेज दिया और ये सिग्नल था हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर ठीक है तो इस ट्रांसमीटर पे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर बनाने के लिए एक लोकल ओसिलेटर से हम जो करियर वेव सिग्नल है उसको जनरेट करते हैं दैट इज ए सी कोस ओमेगा सी इन टू टी अब ये रेडिएटेड सिग्नल एक रिसीविंग एंड पे पहुंचता है ठीक है ये आपका मान लीजिए बेटे रिसीवर है और रिसीवर पे कोई एंटीना लगा है ये एंटीना इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भेज देगा रिसीवर्स पे जो हमारा लोकल ओसीलेटर से जनरेटेड करियर वेव सिग्नल है वो यहाँ पे जनरेट हो रखा है दिस इज इक्वल टू कोस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इनटू टी ठीक है और इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारी एक्स ऑफ टी यानी मोडूलेटिंग सिग्नल मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा अब कहानी कुछ ऐसी है ट्रांसमिटिंग एंड पे जो करियर वेव सिग्नल हमने जनरेट किया जिसको हमने मोडुलेटिंग सिग्नल पे सुप्रीम पुज भी किया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है किसी वजह से रिसीविंग एंड पे लोकल ओसीलेटर से बिल्कुल सेम सिग्नल जनरेट करने के लिए हमने कोशिश की लेकिन हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमसे जनरेट हो जाए यानी फ्रीक्वेंसी में कुछ एरर हो जाए और वो एरर बहुत ही कम हो जैसे यहाँ पे वन मेगा की कोई फ्रीक्वेंसी है जो हम जनरेट करेंगे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मान लीजिए वन मेगा की बजाय वन पॉइंट जीरो जीरो वन मेगा का कोई सिग्नल है जो हमसे जनरेट हुआ इन टर्म्स ऑफ करियर वेव सिग्नल तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हैं तो उसके बाद आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट इन सिंक्रोनस डिटेक्टर्स तो इसके बाद सबसे पहले ये जो दोनों सिग्नल्स हैं ये बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स में जाएंगे ये पूरा का पूरा आपका रिसीवर है जो मैंने यहाँ बता रखा है तो बेटे यहाँ पे जो y1 वन ओफ टी है वो क्या होगा वो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ x ऑफ टी मल्टीप्लाई कोस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई विद वॉट दिस इज इक्वल टू कोर्स एफ सी प्लस डेल्टा एफ लिखो टू पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इन टू टी ये सिग्नल हुआ अब इसके बाद आप क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई कर दो बेटा और टू से डिवाइड कर दो क्योंकि मैं टू कोर्स ए कोर्स बी फॉर्म चाहता हूँ जिससे मैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा सकूँ सो दिस इज़ वन बाई टू इंटू एक्स ऑफ टी एंड टू टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड तो ये बन गया आपका टू कोस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इन टू टी मल्टीप्लाई विद वॉट कोस ओमेगा सी इंटू टी अब आप क्या करोगे एक फार्मूले का यूज़ करो वो होता है टू कोस ए कोस बी ये किसके बराबर होगा ये होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी अब ये फार्मूला बेटे इस इक्वेशन में आप लगा दीजिए दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू एक्स ऑफ टी अब ब्रैकेट्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए तो ये आपका क्या बनेगा दिस इज एंड दिस इज बी ए प्लस बी मतलब ओमेगा सी इंटू टी ओमेगा सी इंटू टी ये बनेगा आपका टू टाइम्स ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस डेल ओमेगा इंटू टी ठीक है और प्लस ए माइनस बी क्या बनेगा यहाँ से तो ये बन जाएगा आपका कोस ओमेगा सी से ओमेगा सी आपका कैंसिल आउट दिस इज इक्वल टू कोस डेल ओमेगा इंटू टी यहाँ टी आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ आपको फाइनली मिला वन बाई टू इंटू एक्स ऑफ टी एंड दिस इज मल्टीप्लाई विद कोस टू ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी प्लस कोस डेल्टा ओमेगा इंटू टी फाइनली जो आपका वाई ऑफ वन है वो आप अलग अलग लिख सकते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस इज वन बाई टू इंटू एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विद वाट कोस टू ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा इन टू टी प्लस अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए वन बाई टू इन टू एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विद वाट कोस डेल्टा ओमेगा इन टू टी राइट अब इस पूरे के पूरे वाई वन t टी सिग्नल को लो पास फ़िल्टर से गुज़रना होगा लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ भी बता दूँ कि जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके मैक्सिमम ओमेगा एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल होंगे तो बेटे वो बिना किसी रुकावट के पास हो जाएंगे अगर आपके इनपुट सिग्नल ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी के हैं तो वो सिग्नल बेटे आपके पास नहीं होंगे ये लो पास फिल्टर की प्रॉपर्टी है अब ये ये सिग्नल देख लीजिए कोस टू ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा यानी ओमेगा सी करियर वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम मोडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ओमेगा एम से बहुत बड़ी होती है तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ये ओमेगा एम से बड़े हैं इसका मतलब हम कहेंगे कि जब हमारा लो पास फिल्टर में ये सिग्नल जाएगा तो ये कंपोनेंट लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा और यहाँ देखते हैं ये जो हमारा कंपोनेंट है ये क्या होगा तो अब यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर ठीक है तो यहाँ पे ये तो जाएगा नहीं ये सिग्नल अब इसके ऊपर मैं यहाँ इन डिटेल डिस्कशन करूँगा कि इस सिग्नल का क्या इम्पैक्ट आएगा और ये क्या सिग्नल है आपका तो यहाँ पे जो आपका वाई ऑफ टी है यानी जो आउटपुट है ये सिग्नल पास होगा बट कितना पास होगा और इस सिग्नल पे क्या असर आएगा वो यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये होगा बेटे आपका एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई टू इंटू कोस डेल ओमेगा इन टू टी ठीक है अब यहाँ पे x ऑफ t को आप एक बार पुट कर लीजिए x ऑफ t हम मान के चलते हैं वी एम कोस ओमेगा एम इंटू टी राइट तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए y ऑफ t कितना होगा वी एम डिवाइडेड वाई टू अब ये क्या बनेगा कोस ओमेगा एम इन टू टी मल्टीप्लाई विथ कोस डेल ओमेगा इंटू टी अब आप क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड टू कोस, ए कोस बी का फार्मूला बना लूंगा तो ये बनेगा मेरा वी एम डिवाइडेड बाय फोर अब डिवाइडेड बाय फोर है यानी टू से मल्टीप्लाई भी किया टू कोस, ए कोस बी तो यहां पे मैं कोस ए कोस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी लिख सकता हूँ तो ये बन जाएगा बच्चे कोस ओमेगा एम प्लस डेल ओमेगा इंटू टी प्लस कोस ओमेगा एम माइनस डेल ओमेगा इंटू टी कुछ ऐसा बना राइट right. ठीक है अब ये देख लीजिए ओमेगा एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी पास थ्रू द लो पास फिल्टर यहाँ की मैक्स इस कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम प्लस डेल ओमेगा है और इस कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम माइनस डेल ओमेगा है यानी ये जो कंपोनेंट है ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा बट ये जो कंपोनेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू लो पास फिल्टर्स की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है यानी इस कंपोनेंट में डेफिनेटली कुछ डिस्टोरशन हमें मिलना चाहिए ठीक है तो अगर मान लीजिए आपका जो सिग्नल है वो कुछ ऐसा था ओरिजिनल जो आपका मोडुलेटिंग सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बेटे कुछ ऐसा था ये ओमेगा एम ये माइनस ओमेगा एम तो इसका मतलब लो पास फिल्टर से जब सिग्नल निकलेगा तो डेफिनेटली मेरा कुछ ऐसा सिग्नल बनेगा इसके अकॉर्डिंग मेरी ये फ्रीक्वेंसी है यानी ये यहाँ पे तो ओमेगा एम है और यहाँ पे बेटे ओमेगा एम प्लस डेल ओमेगा है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके और यहाँ का ये जो पोर्शन है आपका ये क्या हो जाएगा ये डिस्टोर्टेड हो जाएगा राइट right? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट अगर हुआ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट का मतलब है रिसीविंग एंड पे लोकल ऑसिलेटर्स ने जो करियर वेव सिग्नल जनरेट किए एज कंपेयर टू ट्रांसमिटिंग एंड जो करियर वेव सिग्नल थे उन दोनों में कुछ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर आ जाए तो वो आपका रिसीविंग एंड पे आउटपुट सिग्नल जो मॉडुलेटिंग सिग्नल है उसमें कुछ डिस्टोरशन की वजह जरूर बनेगा तो इस डिस्टोर्शन की वजह से ही आप इसको कहते हो बीट इफेक्ट यानी सिग्नल कुछ हद तक बीट हो गया बीट यानी पीटना अब सिग्नल्स डिस्टोर्ट हो गया या इंसान की हड्डी तोड़ दें तो उसे कहते हैं कि समवन हैज बिटन हिम तो इसी तरीके से यहां पे अगर मेरे सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे तो उसको कहेंगे कि किसी वजह से सिग्नल को बीट कर दिया गया राइट या उसको तोड़ दिया गया तो डिस्टॉर्शन इफेक्ट जरूर आएगा इसको मैं बीट इफेक्ट भी कहता हूं बेटे और अगर आपका फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट है तो आप एक चीज जरूर नोट कर लें कि यू कैन नॉट वी कैन नॉट रिकवर आवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल यानी हमारे जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल थे वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि उन सिग्नल्स में बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी ड्रिफ्ट कुछ डिस्टोर्शन जरूर आएगा जिससे ओरिजिनल रिकवरी नहीं हो पाएगी तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट इन सिंक्रोनस डिटेक्टर्स आई होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो